मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ जा। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। ये परेशान कर रही है, सॉरी भी नहीं बोल रही है। है काव्य ने तुझे परेशान किया और सॉरी नहीं बोल रही? नहीं। ठीक है मैं काव्य से बात करती हूँ। ठीक है काव्य, मैं ना अंदर रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ और तुम जाके शिवाई के साथ बैठ के उसके साथ गेम खेलो और उसे बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ हाँ मम्मी आप जाओ, मैं वैसे भी किसी को कौन सा परेशान करती हूँ आपको तो पता ही है। अरे यार मैं फ्रेंड्स न्यायमा अकेले खेल लेता हूँ। शिवाय खेल रहा है, क्यों ना मैं उसको परेशान करूँ। शिवाय हाँ मैं भी खेल लूँ। नहीं मैं बस अपने फ्रेंड के साथ ही खेलता हूँ। अरे मुझे भी खिला ले। नहीं अरे यार ये कितना परेशान करती है मुझे। मम्मी से कंप्लेंट कर दे, मैं नहीं डरती मम्मी से। मैं तेरा दूसरा टॉय ले लूंगी। देख देख मैं तेरी मम्मी से कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ जा। मम्मी मम्मी। हाँ जा कर दे मम्मी से कंप्लेंट। मैं सॉरी तो नहीं बोलने वाली, अगर मैंने सॉरी बोला तो सब लोग सोचेंगे मैं डरती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा। ये परेशान कर रही है, सॉरी भी नहीं बोल रही है। है काव्य ने तुझे परेशान किया और सॉरी नहीं बोल रही? नहीं। ठीक है मैं काव्य से बात करती हूँ। ठीक है इस लड़की का क्या करूं। काव्य काव्य इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। इस लड़की को ना तो छोटों को सॉरी बोलना आता है ना बड़ों को सॉरी बोलना आता है, इसे सॉरी तो बुलवा कर ही रहूंगी, कुछ तो सोचना तो पड़ेगा ही। A few moments later. आप तो मैं अच्छे से ड्राइंग करूंगी। नहीं शिवाय बड़ा आया मम्मी से कंप्लेन करने वाला, नहीं मैंने सॉरी बोला और नहीं मम्मी ने मुझे डांटा। अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? अरे मैं ना काव्य से बहुत परेशान हूँ। आज काव्य शिवू की फिर लड़ाई हो गई और वो लड़की किसी को ना सॉरी बोलती है ना कुछ करती है और शिवाय शिकायत लेकर आया था कि वो उसे बहुत परेशान भी कर रही थी। अच्छा तो काव्य को सॉरी की इम्पोर्टेंस बतानी है? हाँ मेरे पास एक आइडिया है इसका। बताओ। क्या बताओ बताओ। ठीक है ना? पक्का ठीक है। चलो फिर से एक लेसन सिखाते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है काव्य को बुलाते हैं। काव्य ऐसा है गलती तुम्हारी थी, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था। आपकी गलती थी, आपको सॉरी बोलना चाहिए था, आप हमेशा ऐसी करते हो। नहीं तुम हमेशा ऐसी करती हो, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था। नहीं आपको सॉरी बोलना चाहिए था, आप रोज मेरे से ऐसी बात करते हो। ठीक है मैं आज घर में खाना भी नहीं खाऊंगा। और मैं बनाऊंगी ही नहीं खाना, खाओगे तो तब ना। ठीक है जा रहा हूँ मैं। जाओ। मम्मी क्या हुआ? अरे पापा हर समय लड़ाई करते रहते हैं। अरे मम्मी सिंपल से बात, सॉरी बोल दो। अच्छा मतलब मैं सॉरी बोल दूं? तूने कभी सॉरी बोला है अपने फ्रेंड्स को और अपने छोटे भाई को? अरे मम्मा मैं सॉरी अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई को इसलिए नहीं बोलती, वो लोग मुझे बुद्धू समझते हैं और डरपोक भी। काव्या सॉरी बोलने से कोई डरपोक या बुद्धू थोड़ी हो जाता है। सॉरी बोलना तो एक अच्छी हैबिट में आता है, एक गुड हैबिट होती है और सॉरी तो हमें बोलनी चाहिए। लेकिन मम्मा वो लोग मुझे डरपोक समझते हैं। नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो लोग तुम्हें डरपोक समझते हैं। अगर तुम सॉरी बोलोगी तो ये गुड मैनर्स में आता है, फिर तुम्हें सब जने अच्छा मानेंगे कि तुमने सॉरी बोला और ऐसा वो प्रिटेंड होगा कि तुमने अपनी गलती रियलाइज करी है कि तुमने कोई काम गलती से करा है। अब से मम्मी मैं अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई को सॉरी बोला करूंगी। ठीक है फिर मैं भी पापा को सॉरी बोल दूंगी। ठीक है। सॉरी शिवाय अब मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी। सॉरी दीदी मैं भी परेशान नहीं करूंगा, अब मैं खिलाऊंगा। ठीक है अब हम साथ में खेलेंगे। ठीक है हाँ। चल
आज तुझे ड्राइंग करवाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या समझ आया आपको आज के मॉरल स्टोरी से कि हमें कभी भी अपने फ्रेंड्स को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा सॉरी बोलने चाहिए फ्रेंड्स को हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को करना लाइक शेयर और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।